तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं पल्सर 220 का मीटर, जिसका कि डिस्प्ले फेड हो चुका है और आप देख ही सकते हैं इसमें विजिबिलिटी काफ़ी ज़ीरो हो गई है। तो इसमें हमने किया है RGB मैट्रिक्स ब्लूटूथ वाला मॉडिफिकेशन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये मॉडिफाई होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और इसमें फंक्शन इतने सारे हैं कि आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। ये मीटर हमारे पास बंकुरा डिस्ट्रिक्ट से आया है और इसको हमने खोल लिया है। ये सब इसके स्क्रू हैं। एक्चुअली पहले इस मीटर के बारे में मुझे सिर्फ यही पता था कि ये रिपेयर करना है, बट जब मेरी कस्टमर से बात हुई, मैं मीटर खोलने के बाद उनको कॉल किया, एक्चुअली पहले उनका कॉल नहीं लग रहा था, तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने मीटर में सबसे लेटेस्ट वाला कलर मॉडिफिकेशन कराना है, जो कि था मेरे पास RGB ब्लूटूथ मैट्रिक्स वाला, जिसमें जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा है उसका प्रोसेस भी बिल्कुल अलग रहता है। बहुत ही अलग टाइप की लाइट रहती है, हर लाइट के अंदर खुद का एक अपना IC सर्किट होता है, हर लाइट अगले वाली लाइट को कमांड देती है, इस तरीके से वर्क करता है। और बाकी फंक्शन इतने सारे हैं कि आप देखते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये मीटर खोल लिया है और सबसे पहले हमारा जो इसका फोकस होगा वो होगा हमारे इसके डिस्प्ले के ऊपर। सबसे पहले हमें इसका डिस्प्ले रिपेयर करना है। तो डिस्प्ले रिपेयर करने के लिए इसको हम फटाफट से इसका जो डिस्प्ले है उसको डिसोल्व करेंगे। तो ये प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है और इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अंदर भी किस तरीके से लाइट ये लगी हुई है। तो देखिए, हमने फटाफट से इसका जो डिस्प्ले है वो डिसोल्ड कर लिया है और ये डिस्प्ले हमने बॉन्ड बॉडी के साथ में अलग कर लिया है बोर्ड से। तो सबसे पहला काम हमारा इसका डिस्प्ले रिपेयर करने के लिए, ये हमने डिस्प्ले बॉन्ड बॉडी से बाहर निकाल लिया है। और अभी हम ब्लेड की सहायता से, एक बिल्कुल शार्प और न्यू ब्लेड की सहायता से, जो इसका ये जो पीछे का स्टिकर है इसको उतार लेंगे और इसमें जितना भी ग्लू लगा हुआ है वो पूरा पूरा क्लीन कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा भी अगर ग्लू रहेगा तो बबल्स आएंगे और बबल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं जो शीट इसमें यूज़ करता हूँ वो बहुत ही हाई क्वालिटी की रहती है और बेटर देन ओरिजिनल रहती है। अगर ओरिजिनल शीट आपकी 5 साल में ख़राब हो रही है तो ये आने वाले 10 साल भी ख़राब नहीं होगी। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 2014 में मैंने जिनका मीटर रिपेयर करके दिया है, अभी 2024 चल रहा है, वो अभी तक भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये जो है इसकी नई शीट है जो कि हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। और इस वाली शीट में एक मैट फिनिश है जो कि शाइनी नहीं होती है ज़्यादा, और शाइनी ना होने की वजह से इसका जो ग्लो है वो काफ़ी मैट फिनिश में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो इसको हमने बिल्कुल प्रॉपर सेट कर लिया है और अब इसको स्टिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं डिस्प्ले हमारा परफेक्टली रिपेयर हो गया है और अभी हम इसको एक बार ऑन बोर्ड ऊपर के ऊपर लगा के चेक करेंगे। हालांकि उसमें विजिबिलिटी का बहुत अच्छे से पता नहीं लग पाएगा, बट डिजिट सारी हमें दिख जाएंगी कि जो हमने डिस्प्ले रिपेयर किया है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है या नहीं। ये इसका ब्लर पेपर है, ये ब्लर पेपर भी हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन जो करेंगे उसमें ये ब्लर पेपर काम नहीं करेगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये इग्निशन, तीनों पॉइंट हमने इसमें लगा दिए हैं। तो मीटर हमारा ऑन हो गया है ये, और अभी हम इसके अंदर डिस्प्ले लगा के इसको पावर ऑन करके देखेंगे एक बार और डिस्प्ले की विजिबिलिटी चेक करेंगे। तो देख सकते हैं डिस्प्ले हमारी प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो गई है, इसकी जो डिजिट हैं सारी की सारी कंप्लीट हैं, कोई भी डिजिट कटी हुई नहीं है। तो अभी इसकी ये जो ओरिजिनल लाइट है ऑरेंज कलर की है, हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको सबको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसके अंदर बहुत ही अलग तरीके से एक लाइट सेट करेंगे, जो कि है हमारी RGB ब्लूटूथ मैट्रिक्स।
ये लाइट लगाने के लिए लगभग मीटर में आप ये समझिए कि कम से कम भी 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है, ऑन टेबल 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है, मतलब आप कंटिन्यू वर्क करेंगे तब 6-7 घंटे के आसपास का समय लग जाता है, क्योंकि सब लाइटों को एक दूसरे से कनेक्ट करना और सब कुछ चेक करना कि कोई भी आपके बोर्ड के किसी सर्किट को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, एक अलग से सर्किट इसके अंदर सेट करना जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर इफेक्ट ना करेगा, और इसमें एक अलग से ऐसा सर्किट बनाना ताकि जब आप लाइट ऑन करें, जब आप मीटर ऑन करें, वो भी आपका जो सर्किट है वो तभी टर्न ऑन हो, मतलब वो सिर्फ आपके मीटर से सिग्नल लेगा बट कोई भी पावर कंजप्शन नहीं करेगा आपके मीटर की तरफ से। उसके लिए पावर के लिए उसमें मीटर के अंदर जो बैटरी के कनेक्शंस अलग से आते हैं उससे अलग एक सर्किट लगेगा, और वो सर्किट सिर्फ मीटर से सिग्नल लेगा कि कब मीटर आपका ऑन हुआ है। तो ये देखिए, ये सेटअप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें 3 सर्किट लगाए जाते हैं अलग से इन लाइट के साथ में, जो कि इनके करंट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है और हर लाइट को प्रॉपर तरीके से करंट देता है, और ये लाइट लंबे टाइम तक ख़राब ना हो, 10 साल 20 साल भी ख़राब ना हो, इस टाइप की इस जो इन जो लाइट की क्वालिटी होती है वो होती है। कनेक्शंस काफ़ी मुश्किल हैं, मुझे भी, मैंने भी ये पल्सर में पहली बार लगाया है, अब से पहले पल्सर में कभी मैंने RGB मैट्रिक्स यूज़ नहीं किया है, हालांकि और मीटर में किया हुआ है, कुछ कार के मीटर में किया हुआ है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे लगा करने के लिए, क्योंकि एक तो जगह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लाइट के लिए स्पेस नहीं था, बहुत सर्किट इसके अंदर जो जो ऐड होने थे उनके कनेक्शन कहाँ कहाँ से लेने हैं सब कुछ मुझे नए नए फाइंड आउट करने पड़े। और पल्सर में जैसा कि बहुत से लोग को पता ही होगा, इसमें इतने सारे मॉडल आते हैं पल्सर में, पल्सर के मीटर में, कि हर सर्किट बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमने इसका कलर मॉडिफिकेशन जो है वो हमने कर दिया है, RGB ब्लूटूथ मैट्रिक्स हमने इसमें प्रॉपर तरीके से लगा दिया है, और अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे फंक्शंस हैं। तो मैं आपको सारे फंक्शंस तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक चेंजिंग वाले मोड ही 142 हैं, तो सभी तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट जो कॉमन मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसके अंदर हर कलर का हर फंक्शन आपको मिल जाएगा, आपको किस तरीके से उस कलर को मूव कराना है वो सब आप इसमें कर पाएंगे। और ब्राइटनेस इसकी इतनी ज़्यादा है कि आप नाइट में अगर इसको फुल कर देंगे तो आप राइड भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसमें आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप नाइट के टाइम पर इसको कम कर सकते हैं आपके फ़ोन से ही, और जो भी आप इसमें एक बार सेट कर देंगे वो हमेशा के लिए इसके अंदर रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने के बाद आए हैं और आपने गाड़ी स्टार्ट करी और इसमें कुछ और ही फंक्शन चलने लगा, ऐसा नहीं होता है इसमें, जो आपने लास्ट टाइम इसमें छोड़ा होगा वही फंक्शन आपको 6 महीने बाद भी आप इसको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपको वही पैटर्न इसके अंदर चलता हुआ मिलेगा, चाहे आप उसको फिक्स कलर पर सेट कर लीजिए, इसमें सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे फिक्स कलर पर सेट कर लीजिए, चाहे ऑटोमेटिक पर सेट कर लीजिए, और कलर तो आप देख ही सकते हैं, हर लाइट अपना अलग ही एक पिक्चर क्वालिटी वाली जो आपका टीवी वाला जो क्वालिटी होता है पिक्चर का, उस टाइप का इसके अंदर कलर का आपको फंक्शन दिखने को मिल जाता है, क्वालिटी बहुत ही हाई है इसकी, और इतने सारे फंक्शंस हैं कि आप कभी बोर नहीं होंगे। और अगर आपको इसमें भी कुछ अच्छा अगर सजेशन आपको मिलता है, अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इसमें वो भी ट्राई करूँगा। तो देख सकते हैं जैसे स्टैकिंग है, मेटियोर है, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे मिल जाते हैं इसमें जो आप इसमें लगा सकते हैं ऑटोमेटिक वाले में, हर कलर में हर फंक्शन मिल जाएगा आपको। एक 2-3 फंक्शन इसके अंदर ऐसे भी हैं जिसमें ब्लू फायर आती है, जिसमें येल्लो फायर आती है, और ये सबसे इसका कॉमन फंक्शन है जो कि मोस्टली मैंने अपने ड्यूक 390 में भी लगाया हुआ है, उसमें भी इसी टाइप का चलता है, जो नंबर 1 पे आता है इसमें। और नंबर 1 पे देखिए, ये नंबर 1 वाला फंक्शन है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसके अंदर सारे कलर ग्लो करते हैं, और इसमें आप देख पा रहेंगे 0 से लेके 8 तक भी ये मूव कर रहा है, और डिस्प्ले में भी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमने इसके अंदर फिट कर दिया अभी, और अभी इसको फाइनल टेस्टिंग के लिए चला लेते हैं, और साथ साथ ही इसको पैक भी करेंगे। ये हमने लाइट का लगा दिया, ये डायरेक्ट पॉजिटिव लगा दिया, इग्निशन लगा दिया,
और एक ग्राउंड भी लगा दिया। हम इसमें स्पीड और आरपीएम भी चेक करेंगे बाद में। तो ये देखिए मीटर हमने ऑन किया, लाइटें सारी ग्लो हो गई हैं और इसका पावर कंजप्शन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मामूली सा पावर कंजप्शन है। गाड़ी की बैटरी को कुछ भी पता नहीं लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा आपने इसके ऊपर लगाया है। आप चाहो तो लोड वगैरह भी चेक कर सकते हो। 0.38 एम्पियर पूरे मीटर के लोड के साथ में ये इसका लोड है, जिसमें कि जो मैं सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मेरा टेस्टिंग बोर्ड है उसमें से 0.20 का तो उसी का खुद का लोड है। मतलब ये आप ये पकड़िए 0.18 एम्पियर ओनली ये लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो ये हमने इसके स्क्रू वगैरह सब कुछ लगा दी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ज़रूर बताइएगा आप ये मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आपके शहर का नाम आप लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप भी मुझसे कोई आपके मीटर में मॉडिफिकेशन या कुछ कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मीटर का एक वीडियो बना के व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं आप मुझे। और वीडियो भेज के ही प्लीज़ कॉल कीजिएगा। बहुत से लोग मुझे कॉल कर लेते हैं, वीडियो नहीं भेजा होता है, फिर वापस वो कॉल करते हैं, फिर वापस बताना पड़ता है सब कुछ। तो इसलिए प्लीज़ आप मुझे पहली ही बार में आपके मीटर का वीडियो बना के भेजिए। भले ही आपका मीटर चालू है या बंद है, किसी भी कंडीशन में आप ऑन ऑफ करते टाइम वीडियो बनाइए, मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए और कॉल कीजिए। जब तक आपकी मेरी बात नहीं होगी तब तक मैं आपका मैसेज रीड नहीं करूँगा, इसलिए वीडियो भेज के कॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब कर देते हैं इसको फिट और आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और मैं इस तरह की वीडियो आगे भी लेके आता रहूँगा आप सबके लिए। और आपके कोई सजेशंस होंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि कमेंट आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ बहुत ज़रूरी है मुझे बताना, तो आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं। तो देख सकते हैं डेलाइट में भी इसका ग्लो काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।